प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार बिश्नोई बीआरसी काशीपुर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 4 संस्कृत में पाठ 4 का भाग 1 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1। चतुर्था पाठा, पाठ 4, वार्तालापा यानी वार्तालाप, बातचीत करना। तो हम अभी बातचीत के माध्यम से हम समझेंगे एक वचन को द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में हम एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी हम सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में हम वचन पढ़ते हैं 3। इसमें द्विवचन भी शामिल हो जाता है, यानी 2 जो होते हैं तो हम द्विवचन कहते हैं। तो अब यहाँ पर शेखर कह रहा है, शेखरा बंदरे बंदरा, एषः शशकः क्षतः अस्ति, यह खरगोश, क्षतः माने घायल, अस्ति माने है, यह खरगोश घायल है। वंदना कह रही है, भ्राता शेखर, भाई शेखर, अहम एतस्य उपचारं करोमि, मैं इसका उपचार करूँगी। वंदना, पश्ये तत्र शशको खेलता, देखो वे खरगोश खेलते हैं। शशको का मतलब दो खरगोश, वे दो खरगोश खेलते हैं, यानी एक खरगोश के लिए शशका और दो खरगोश के लिए शशको। शेखर, आम पश्यामि, हाँ मैं देख रहा हूँ, तो खेलता, वे दोनों खेलते हैं या वे दोनों खेल रहे हैं। शेखरा, परंतु ते किम कुर्वन्ति, परंतु यानी लेकिन, वे, ते यानी बहुत सारे हो गए, यहाँ पे ते का मतलब हुआ है बहुत सारे, ठीक है। वे क्या करते हैं, वे क्या कर रहे हैं। बंधन, भ्राता ते शशका गुंजनम खादंती, गृंजनम खाद, भाई वे खरगोश गाजर खा रहे हैं। तो देखो, बहुत सारे खरगोशों के लिए शशका, दो खरगोशों के लिए शशको और एक खरगोश के लिए क्या आया है, शशका, ठीक है। और इसी तरह से जो क्रिया के रूप हैं वो भी बदल रहे हैं, जैसे खादती खादता खादंती, यानी बहुत सारे के लिए खादंती। आगे देखते हैं, देखो शेखर, एतत किम पतति, ये क्या गिरता है। वंदना, एतत पर्णम पतति, यह पत्ता गिरता है। शेखरा, बंदने एते पर्णे।